कैसा of course, increase होगा ऑफ़कोर्स इंक्रीज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही तो हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं राइट सो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का रिलेशनशिप तो होता है यस दे विल दे विल बोथ गो हैंड इन हैंड अगर आप ह्यूमन कैपिटल अच्छा करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी बट आगे आप देखने वाले हैं कि हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे बिकॉज टेंजिबल टर्म्स में इसको प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है कि हमने कितना स्पेंड किया और सामने कितना हमने रिजल्ट इफेक्टिव रिजल्ट हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ में लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स वट इट इज अ रियल इनकम ऑफ अ कंट्री नेशनल इनकम है ना हमारी रियल हमारी रियल नेशनल इनकम जो होती है वो हमारी क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ है ठीक है हमारी जी डी पी क्या है वो सब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है है ना क्या हमने हमने कितना प्रोडक्शन किया है क्या किया है पूरे साल में तो दैट इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ

एजुकेटेड पर्सन से थोड़ा कम होता है सिमिलरली अल्दी पर्सन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अनुटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हेल्दी होना क्यों जरूरी है लोगों का हेल्दी होना लेबर का एक्सपेशली लेबर सप्लाई का आपके एम्प्लॉयज का हेल्दी होना जरूरी है बिकॉज अगर वो हेल्दी होंगे देन क्या होगा उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी तो क्या होगा आपके वहाँ पे वो एब्सटेन नहीं करेंगे वर्क से राइट right? वो आएंगे काम काम होता रहेगा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लॉस नहीं होगा दैट्स वाई एक एजुकेटेड पर्सन और एक हेल्दी पर्सन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में दस बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विथ मेनी फैक्टर्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन माइग्रेशन इंक्रीजेज द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल if you are healthy if you're educated enough then you need some training some education and then uh, experience you need some information and if you want to migrate from here and there then it would really help you to increase your income generating capacity right to discuss here so this is clear now next is hcf promotes inventions then Innovations and technological improvements. ऑफकोर्स इफ़ यू आर एजुकेटेड दैन यू विल ट्राई एंड फाइंड अ सल्यूशन बिकॉज यू नो दैट स्किल आपको उस चीज़ का नॉलेज है अगर मुझे लेट्स कोडिंग uh, का नॉलेज है तो कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ही सोल्यूशन निकालूंगी मैं कोशिश करूंगी मैं कुछ इनोवेशन करूँगी राइट पहले हम लोग वो डब्बा फ़ोन यूज़ करते थे ठीक है धीरे धीरे इंजीनियर्स ने सब ने अपना दिमाग लगाया और हम स्मार्टफोन पर आ गए राइट right? सो so, इन सब चीज़ों के लिए इनोवेशन इन्वेंशन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए एच होना जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बट ऑल्सो स्टिम्युलेट innovations and creates the ability to absorb new technologies now if you're educated then you might you might you know invent something or innovate something you might find a way how to make your work easy ab apna kaam easy kaise karo to usse kya hota hai sir aapki productivity nahi increase hogi पर क्या होगा आपका stimulation भी बढ़ता है That means आप जाते हो कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हो कुछ नया करने की कोशिश करते हो right? Along with that, अगर आप educated होते हो तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब कर पाते हो हमारे लिए कोविड में चेंजेस बहुत हुए राइट हमें समझ में नहीं आता ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेंगे ऑनलाइन बच्चे पढ़ेंगे कैसे पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे बट सब ने ठीक है सब ने क्या किया एक न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया वैसे ही क्या होता है हम कुछ भी नया देखते हैं फ़ोन पे हम कुछ भी न्यू देखते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है राइट और हम उस नई चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता था अब आता है इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता था अब आता है लिंकड इन ऐप्स ये सारे जो एप्स हैं आपको यूज करना नहीं, नहीं आते थे अब आता है तो ये क्या होता है आप ट्राई करते हो एक नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की सीखने की एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट दस फैसिलिटेटिंग इन्वेंशन एंड इनोवेश हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप एजुकेटेड होते हो तो आप टेक्नोलॉजी को चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हो राइट सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडेप्टेशन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफकोर्स अगर आपका लेबर भी एडुकेटेड है या स्किल्ड है तो वो ईजिली न्यू टेक्नोलॉजी को एब्सॉर्ब कर पाएगा सो so, एच क्या करता है इट प्रमोट इन्वेंशन इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गोस हैंड इन हैंड बट इन टैंजिबल टर्म्स यू कैन नॉट प्रूव इट कि हाँ भाई हमने इतना स्पेंड किया तो हमने इतना ग्रोथ देखा इकोनॉमिकली राइट right? अगर आपने बहुत पैसा स्पेंड किया एजुकेशन के ऊपर आपने गवर्नमेंट स्कूल्स खड़ी कर दी ठीक है आपने फोर्टीन ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दिया बट क्वालिटी कैसे मेजर करोगे कि किस क्वालिटी का एजुकेशन जा रहा है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही पूछा था कि गवर्नमेंट कोशिश तो करती है बट क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं हम स्पेंड कर रहे बट इज़ दैट इनफ एंड कैन यू मेजर द क्वालिटी कि किस क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है लेट्स से आपने बहुत कोशिश करी कि आप अपने हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड कर सको वो प्रोवाइड कर सको बट क्या क्वालिटी की फैसिलिटी दे रहे हो आप टूल्स हैं सब कुछ टेक्नीशियंस आपके पास में बट क्या उस क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो रहा है क्या आप करप्शन कर रहे हो क्या आप क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो या फिर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अगर बहुत ट्राई करती है ठीक है तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी बट स्टिल क्या आज भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत सुधरी है क्या हमारे पास में अभी भी उतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोगों को बचा सकते हैं लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पर कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है राइट पर आप उसको टेंजिबल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि कितना स्पेंड किया और कितना ग्रोथ हुआ कितना स्पेंड किया और कितना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया राइट तो so ये सब टेंजिबल टर्म्स में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है दैट्स व्हाई आप इकोनॉमिक ग्रोथ का और ह्यूमन कैपिटल का रिलेशनशिप फिक्स नहीं कर पाते आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि कॉज और इफ़ेक्ट हो रहा है कॉज मतलब आप स्पेंड कर रहे हो इफेक्ट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है राइट ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ है ना आप मेजर नहीं कर सकते किस लेवल पे और कितना ग्रोथ हुआ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टीचर पीपल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स में नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपके पास में स्कूल्स है टीचर्स है पीपल्स भी है पर क्या क्वालिटी जा रही है वो आपको पता नहीं है एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ गवर्नमेंट स्कूल इट कैन बी फॉर एनी स्कूल राइट कहीं पर भी हो आप कुछ भी कर रहे हो पर आप क्या क्वालिटी दे पा रहे हो आप मेजर नहीं कर पाओगे सिमिलरली हेल्थ सर्विसज मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोटालिटी रेट्स में नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन अ कंट्री है ना हेल्थ सर्विसेज बहुत है इन्फेंट मोटालिटी रेट कम हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है हम जब से पैदा होते तब से हमारे मरने के समय तक का जो हमारा लाइफ है ठीक है हम कितना टाइम जिएंगे वो हो गए हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोटालिटी है ना वन ईयर के बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे वो वन ईयर की एज तक के होने से पहले इफ़ दे इफ़ इफ़ दे सी सम हेल्थ इशूज़ तो क्या है ना इफ़ उनको कुछ होता है तो क्या वो होता है हमारा इन्फेंट मोटालिटी रेट तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोटालिटी रेट इन सब के टर्म्स में आप नहीं बता सकते कि हेल्थ स्टेटस कैसा है आज भी ठीक है ये चीजें तो कम हुई है बट एग्जैक्ट हेल्थ स्टेटस आप नहीं बता सकते बिकॉज यू के नॉट मेजर थिंग्स है ना आप मेजर नहीं कर सकते हो कि कौन सी चीज कितने टर्म्स में इफेक्ट हुई है या कौन सा हमने कितना स्पेंड किया तो कहाँ पे कितना रिजल्ट आया है Next is it means it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital, that is, education and health to economic growth. Even if you spend on this, you cannot get capna kitna actually effective kitna effective. Ye cheez hui hai. However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. Higher income causes the building of a high level of human capital, and high level of human capital causes growth of income. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्पेंडिंग तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा बट क्या कितना वो आप मेजर नहीं कर पाओगे एंड ऑफ कोर्स हायर इनकम से क्या होगा हाई लेवल ऑफ़ ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल से क्या होगा एट लास्ट ग्रोथ ऑफ इनकम होगी ही होगी अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ ऑन योर हेल्थ ऑन योर एजुकेशन तो ऑफकोर्स आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम से ग्रोथ लास्ट में बढ़ता ही है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड है बट यू कैन नॉट प्रूव इट एंड यू कैन नॉट प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन टेंजिबल टर्म्स नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर यहाँ पे हम एक टेबल देखने वाले हैं पर्टिकुलर जैसे रियल पर कैपिटा इनकम 1951 में क्या थी और 2016-17 में क्या थी तो रियल पर कैपिटा इनकम इन रुपीस देन क्रूड डेथ रेट पर थाउजेंड पॉपुलेशन में डेथ रेट क्या थी हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एड ऑफ ऑफ मेल्स एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल्स एट बर्थ देन लिटरेसी रेट ये सारे रेट्स 1950 51 का डेटा है 1981 1991 2001 नाइनटी एंड टू एंड सेवनटीन सिंपल देते हैं लिटरेसी तो पहला था सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट बाद में हमने बहुत अवेयरनेस की कैंपेन्स किए हमने बहुत प्रोग्राम्स किए तो क्या हुआ फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव सेवन परसेंट पर पहुँचे देन फिफ्टी टू पॉइंट टू वन परसेंट देन सिक्सटी फाइव पॉइंट टू एंड फाइनली अभी हमारा कितना currently it is 76%. तो है करंट लेटेस सेवेंटी सिक्स परसेंट तो इम्प्रूवमेंट है बट हम मेजर नहीं कर सकते ठीक है कि डेवलपमेंट का इंडिकेटर तो है आपके पास में कि हाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है विद टाइम राइट नेक्स्ट इज़ रियल पर कैपिटा इनकम तो पहले कितनी थी सेवन सिक्स फाइव वन टू थाउजेंड सिक्सटीन में कितनी हो गई सेवेंटी सेवन सिक्स फाइव नाइन देन डेथ रेट पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे पहले था ट्वेंटी फाइव पॉइंट टेन एंड अभी कितना हो गया सिक्स पॉइंट थ्री ज़ीरो इन्फेंट मोटालिटी रेट वन फोर्टी सिक्स था जो रिड्यूस होके हो गया थर्टी थ्री हमने फर्स्ट लेसन में बात की थी इसकी भी देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थर्टी सेवन पॉइंट टू ज़ीरो पहले क्यों इतना कम था मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी लोगों के पास में खाने के लिए भी नहीं था फेमाइंस थे ड्रॉट थे बहुत सारी अलग अलग कंडीशन थी इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी वन जो इम्प्रूव होकर क्या हो गया सिक्सटी सेवन हो गया फॉर फीमेल थर्टी सिक्स पॉइंट टू जीरो और अब क्या हो गया है वो सेवेंटी हो गया है राइट सो इन एवरी सेक्टर देर इज डेवलपमेंट देर हैज बिन अ डेवलपमेंट और ये सारे इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के लेट्स एनालाइज दिस टेबल

ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द नीड ऑफ द आर ऑफकोर्स इफ द होल वर्ल्ड इज गोइंग अ हेड देन वी ऑल्सो नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट बिकॉज हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द नीड ऑफ द आर राइट यू नीड स्किल्ड पीपल यू नीड एजुकेटेड पीपल यू नीड नॉलेजेबल पीपल राइट यू नीड एक्सपीरियंस यू नीड ट्रेनिंग एवरीथिंग To grow ahead as a nation, you need to train your people. You need to educate your people. और उसके साथ साथ में ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एजुकेट एजुकेशन का बोल दिया है आपको एक्चुअली में अब वो क्वालिटी भी देनी पड़ेगी वो स्किल सिखानी पड़ेगी एक्चुअली आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं स्किल पे भी फोकस करना है इसीलिए क्या आया है एन As per National Education Policy 2020, the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape with various dramatic scientific and technological advances. Many unskilled jobs may be taken over by machines. ये होगा। बहुत सारी चीजों के लिए रोबोट्स आ जाएंगे, मशीन्स आ जाएगी। So बहुत सारे जो unskilled jobs, unskilled workers हैं, वो replace हो जाएंगे इधर technology। So now what about these unskilled workers? इनका क्या करेंगे? आप इनको स्किल करो दैट मीन्स अभी से ही बच्चों को भी स्किल करना है और लोगों को भी हमें स्किल करना है टू मूव अहेड एज अ नेशन सो देर इज एन अर्जेंट नीड एंड डिमांड फॉर अ स्किल्ड वर्क फोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस बहुत जरूरी हो गया आई टी सेक्टर में जाने के लिए यू नीड दीज थिंग्स राइट यू नीड द नॉलेज इन दीज थिंग्स इन कंजंक्शन विथ मल्टी आपको स्कोर करना अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपका ध्यान देना कुछ ना कुछ आपको स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेट विथ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सिस विल बी अब शिफ्ट इन हाउ वी मीट द वर्ल्ड एनर्जी वॉटर फूड एंड सैनिटेशन नीड्स अगेन रिजल्टिंग इन द नीड फॉर न्यू स्किल्ड लेबर पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी केमेस्ट्री फिजिक्स एग्रीकल्चर क्लाइमेट साइंस एंड सोशल साइंस दैट मीन्स वॉर देर सेंग इज़ दैट अगर आई टी सेक्टर है स्किल्ड वर्क फॉर चीन तो हमें इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है इन्वायरमेंट पर ध्यान देना है अगर हमारा एनवायरमेंट डिप्लीट हो रहा है हमारे रिसोसेज डिप्लीट हो रहे हैं तो हमें आगे जाके क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लाने पड़ेंगे है ना अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कोल की जगह पे क्या यूज करें नेचुरल गैस की जगह पे क्या यूज करें ऑयल पेट्रोल की जगह पर क्या यूज करें तो इसके ऑल्टरनेटिव लाना तो इसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज साइजेबल शिफ्ट होने वाला है इकोनॉमी इज गोइंग टू शिफ्ट नाउ वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक अ शिफ्ट नाउ नेक्स्ट इज द ग्रोइंग इमरजेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पैंडमिक्स ऑल्सो कॉल्स फॉर कोलेबोरेटिव रिसर्च इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड द रिजल्ट सोशल इश्यूज हाइटन इज द नीड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग इतना डीप में नहीं जाना है ठीक है इतना डरना नहीं है सब पढ़ के क्या बोला जा रहा है इन शॉर्ट कि एपिडेमिक्स बढ़ रहे हैं बीमारियाँ बढ़ रही हैं आजकल न्यू न्यू बीमारियाँ आती हैं ना अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा एकदम रिसेंटली जस्ट टेन मिनट्स को टोमेटो तो फ्लू भी आ गया है कोविड आ गया है कोव कोरोना आ रहा है पता नहीं क्या क्या फ्लूज आते हैं राइट अभी टोमेटो फ्लू वॉट इज दिस बस कुछ नहीं रेड रैशेज हो रहे हैं फीवर हो रहा है तो टोमेटो फ्लू नाम दे दिया राइट सो so, बट अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग टाइप की इन्फेक्शंस फैल रहे हैं राइट नेशन में तो so, ये इन बीमारियों से लड़ने के लिए यू नीड गुड रिसर्च हाउ टू राइट हाउ टू हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज राइट सो इसके लिए आपको कोलेबरेटिव रिसर्च चाहिए तो so, इसके लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए और इसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी next is there will be a growing demand for humanities and art as india moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world this policy vision suggests how human capital formation in india will move the economy to a higher growth trajectory based on the knowledge landscape. That means हमारे government ने कुछ plan किया है कि अब तक तो हमारी education policy हम लोग घसीट के चला रहे थे ठीक है पर अब हमें कुछ changes करने पड़ेंगे लोगों को skills सिखानी पड़ेगी अलग अलग चीज़ें सिखानी पड़ेगी because the world is going to see a shift in each and every sector and it is going to affect the vision of India to become one, one of the most uh, powerful or one of the most developed economies.

The trained and educated population ट्रेन एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड in accelerating the economic growth and in ensuring social change in desired directions. अगर इंडिया अपने इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को अपनी पॉपुलेशन को ठीक है अपना स्ट्रेंथ बना के यूज करे, उनको स्किल करके यूज करे तो कोर्स वी कैन सी ग्रोथ इन एज अ नेशन नाउ दिस वाज अबाउट अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंडिया इज अ नॉलेज दैट इज इकॉनॉमी ठीक है यहां पर क्या बात हो रही है द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज बिन शोइंग एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट डिकेड यहां पर हम बात करने वाले आई टी सेक्टर की ऑन्टरप्रिनर्स ब्यूरोक्रेट मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए जो गवर्नमेंट सेक्टर में है पॉलिटिशियंस आर नाउ एडवासिंग व्यूज अबाउट हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ठीक है अब हम क्या बनने वाले हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं By using information technology, that is IT sector. Likewise, e-governance is being projected as the way of future. Everything you have to electronic way. Mein aana. Ko advanced technology. Hai, hai? Because we want to a knowledge-based economy. Banna the value of IT depends greatly on the existing level of economic development. IT can make existing assets and processes more effective and efficient. However, for this, basic infrastructure needs to be developed. हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए स्मार्टफोन्स चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है एज अ नेशन इंफ्रा डेवलप करेंगे तो ही हमें एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन पाएंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ लेट इज़ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक